देखिए, पुलअप एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि एक साथ आपके बॉडी के कई सारे मसल्स को ट्रेन करती है और साथ ही साथ आपके ताकत को भी बढ़ाती है। लेकिन आप में से अधिकांश लोग पुलअप को लगा ही नहीं पाते हैं और इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताने वाला हूँ जिसे अगर आप 10 से 15 दिन भी फॉलो कर लेते हो ना, तो आप बड़ी ही आसानी से पुलअप लगाने लग जाओगे। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि हम लोग शुरुआती समय में पुलअप लगा क्यों नहीं पाते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारे मसल्स में उतना पावर नहीं होता है, उतना ताकत नहीं होता है कि वो हमारे बॉडी वेट को लिफ्ट कर सके। यानी कि सबसे पहले आपको अपने मसल्स को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा और अभी मैं आपको कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपके उन मसल्स को काफी ज्यादा तेजी से स्ट्रांग बनाती है जो कि आपको पुलअप लगाने में मदद करती है। तो आते अपने पहले तरीके पे जो कि है इन्वर्टेड रो। देखिए, ये जो एक्सरसाइज है ना, ये आपके मिड ट्रिप और लैट्स मसल्स दोनों को काफी ज्यादा तेजी से स्ट्रांग बनाती है और ये दो मसल्स पुलअप लगाने के लिए स्ट्रांग होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो इस एक्सरसाइज को अगर आप जिम में करना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से कर सकते हो, और नहीं तो अगर आप इसे घर पे करना चाहते हो तो आपको किसी बेंच या फिर किसी भी बेड के नीचे आपको अपने दोनों पैरों को लेकर चला जाना है और इसके बाद बेंच के कोर को पकड़ते हुए कुछ इस तरीके से आपको अपने बॉडी को अपलिफ्ट करना है और इस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज को 3 सेट 12 रेपिटेशन के लगाने हैं। तो अब आते हैं अपने दूसरे तरीके पे जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है पुलअप लगाने के लिए। तो आपको करना क्या है कि आपको कुछ इस तरीके से पुलअप पोजीशन में लटक जाना है। आप अपने घर पे किसी भी छज्जे या फिर दीवार पे लटक सकते हो और फिर आपको कुछ इस तरीके का पोस्चर परफॉर्म करना है। ध्यान रहे कि इसे करते वक्त आपका कोहनी मुड़ना नहीं चाहिए, आपका केवल अपर बॉडी ही अप जाएगा। तो इस एक्सरसाइज को आपको 20 से 30 सेकंड का 3 सेट लगाना है। तो अब आते हैं अपने तीसरे तरीके पे। देखिए, जब भी हम लोग पुलअप लगाते हैं तो पहले ऊपर जाते हैं और फिर नीचे आते हैं, यानी कि नीचे आते वक्त भी हमारे मसल्स का यूज होता है। तो आपको करना क्या है कि आपको किसी भी ऊंचे बॉक्स या फिर चेयर पे खड़ा हो जाना है और एक ही बार में आपको पुलअप बार के ऊपर चला जाना है और इसके बाद पुलअप बार को पकड़ते हुए अपने बॉडी को धीरे धीरे अपने मसल्स पे स्ट्रेच देते हुए नीचे लेकर आना है और इसी तरीके से आपको इस एक्सरसाइज को 3 सेट 10 रेपिटेशन के लगाने हैं। तो अब आते हैं अपने चौथे तरीके पे, जिसे करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक रेजिस्टेंट बैंड का। अगर आपके पास रेजिस्टेंट बैंड नहीं है तो आप किसी साइकिल दुकान से 10 से 15 रुपए में साइकिल का जो ट्यूब होता है उसे खरीद कर ला सकते हो और उसे एक बैंड के तरह यूज कर सकते हो। आपको सबसे पहले साइकिल के ट्यूब को या फिर रेजिस्टेंट बैंड को कुछ इस तरीके से पुलअप बार में बांध देना है और फिर उस बैंड में अपने पैर को फंसाते हुए कुछ इस तरीके से अपने बॉडी को अप एंड डाउन करना है। तो देखिए, ये जो 4 तरीके थे, इसे अगर आप रेगुलर 10 से 15 दिनों तक करते हो तो आप आसानी से पुलअप लगाने लग जाओगे। लेकिन आपको शुरुआती दिनों में पुलअप्स नहीं लगाना है बल्कि चिनअप्स को लगाना है, ताकि आप अपने स्ट्रेंथ को, अपने ताकत को और ज्यादा बढ़ा सकें, ताकि आप आसानी से पुलअप्स को लगा पाए। तो देखिए, जो चिनअप्स होता है उसे पुलअप के तरह ही लगाया जाता है, लेकिन इसमें आपको अपने दोनों हाथों को अंदर की ओर करके कुछ इस तरीके से पकड़ना होता है और फिर अपने बॉडी को अप एंड डाउन करना होता है। तो ये कुछ तरीके थे जिसे अगर आप अपनाते हो तो आप भी बड़े ही आसानी से पुलअप्स को लगाने लग जाओगे। तो हमें नीचे कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो और साथ ही इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।